इंडियन आइडल 11 के सेकेंड एपिसोड की बात करें तो शो बेहद ही एंटरटेनिंग और इंस्पायरिंग स्टोरी से भरपूर था। दूसरे एपिसोड के सबसे खास कंटेस्टेंट की बात करें तो वो रहे अविनाश बावरी। वो खास इसलिए कि अविनाश बचपन से ही देख नहीं सकते हैं, साथ ही आपको बता दें कि उनके चेहरे पर जलने के मार्क्स भी दिखे। नेहा कक्कड़ जब कंटेस्टेंट से उनके बारे में जानना चाहती है कि वो ऐसे क्यों है, तो कंटेस्टेंट का जवाब सुनकर सभी जज शॉक्ड हो जाते हैं। अविनाश शो में बताते हैं कि वो किसी को देख नहीं सकते हैं, लेकिन वो लोगों को महसूस कर सकते हैं। इसके बाद नेहा पूछती है कि आपके चेहरे पर ये निशान कैसे हैं। कंटेस्टेंट कहते हैं कि मैंने अपने अंधेपन की हीन भावना के कारण खुद को आग के हवाले कर दिया। कंटेस्टेंट की ये बात सुनकर सभी जज और दर्शक हैरान हो जाते हैं। इसी बीच सभी इमोशनल हो जाते हैं। नेहा इतनी ज्यादा इमोशनल हो जाती है कि वो फूट फूट कर रोने लगती है। वो पूरे शो में बस रोती रहती है। इसके बाद वो कहती है, आपने जो किया है वो मैंने महसूस कर लिया, इसलिए मैं खुद को संभाल नहीं पा रही हूं। शो के इस पल ने पूरे इंडियन आइडल के दर्शकों को रुला दिया। बात करें अविनाश के परफॉर्मेंस की तो उन्होंने तू न जाने आसपास है खुदा गाया, जो कि सभी के दिलों को छू जाता है। अब देखना यह है कि अविनाश टॉप 12 में शामिल हो पाएंगे या अपना सफर मुंबई में समाप्त कर देंगे। ये जानने के लिए आपको इंडियन आइडल का अगला एपिसोड देखना होगा। और हाँ, अगर इससे संबंधित कोई भी जानकारी हमें मिलेगी तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए फिल्मी पंचायत। शुक्रिया।